अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे केजी की रीडिंग इंग्लिश की। तो केजी जो है, जिस सिस्टम का मैं आपको करा रही हूँ कोर्स, उसमें केजी जो है वो दूसरा साल होता है प्री स्कूल का। पहला हो गया प्ले ग्रुप, दूसरा हो गया केजी। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी, केजी की इंग्लिश की रीडिंग। चले शुरू करते हैं। यहाँ पे केजी में आके जो है वो स्मॉल लेटर्स जो एबीसी के वो भी होंगे और कैपिटल लेटर्स भी होंगे साथ। पीजी में सिर्फ स्मॉल लेटर्स थे या लोअर केस लेटर्स थे और कैपिटल एबीसी नहीं थी उसमें। यहाँ पे स्मॉल या लोअर केस लेटर्स भी होंगे और कैपिटल या अपर केस लेटर्स जो हैं वो भी होंगे केजी में, और थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगे साथ हमारे। यानी कि पहले 3-4 वर्ड्स थे सर सिर्फ पीजी में, तो अभी 5-6 जो हैं वो वर्ड्स आ जाएंगे। करेंगे हम उसी तरह के ए, फिर उसकी साउंड ए और फिर वर्ड ए एंड, ए एप्रिकॉट, चींटी, खुबानी, ए एरोप्लेन, जहाज, ए एलिगेटर, एलिगेटर यानी मगरमच्छ, ए एरो, एरो बोलते तीर को, ए एक्स, एक्स कुल्हाड़ी, ए एम्बुलेंस, ए एप्पल, एम्बुलेंस और सेब, बी बी हो गया हमारे पास बी ब बैट, बैट बोलते हैं चमगादड़ को, बी ब बॉक्स डब्बा, बी ब बलून्स गुब्बारे, बी ब बैग कोई भी बैग, बी ब ब्लॉक्स वो जो खेलने वाले ब्लॉक्स होते हैं वो, बी ब बेबी, बेबी बोलते हैं बच्चे को छोटे को, बी ब बनाना केला, और बी ब बॉल, बॉल गेंद कोई भी, सीक कैमल ऊंट, सीक कैरेट गाजर, सीक कार कार, सीक कप, सीक केज केज बोलते हैं पिंजरे को, सीक कॉम कॉम बोलते हैं कंगी को, सीक कैट बिल्ली, और सीक केक। अब आ गया डी, डीड डॉल गुड़िया, डीड डंकी गधा, डीड ड्रेस कोई भी कपड़े, डीड डियर, डियर मतलब हिरन, डीड ड्रम ढोल, डीड डोर दरवाज़ा, डीड डक बतख, डीटा डॉग कुत्ता। अभी जो ई है हमारी, ई की साउंड है ए, ई की वैसे तो दो साउंड है ई और ए, लेकिन यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं उसमें ए यूज़ होगी। ई ए एग, जैसे एग के स्टार्ट में साउंड है ए, एग, ई ए एग अंडा, ई ए एलिफेंट हाथी, ई ए एनवेलप खत का लिफाफा, ई ए एक्सरसाइज वर्जिश, ई ए एल्बो कोनी, ई ए इंजन, ई इंजन जो होता है वो ट्रेन का इंजन होता है आगे जो, उसको बोलते हैं इंजन। अब आ गया एफ, एफ अ फ्रॉग, एफ अ फैन, फ्रॉग मतलब मेंढक, फैन मतलब पंखा, एफ अ फायर आग, एफ फ्रेम, फ्रेम किसी भी शीशे का या किसी भी तस्वीर का जो बाहर वाला जिसके अंदर उसको लगाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेम। कुछ भी इसमें आप डेकोरेशन लगा सकते हैं। एफ अ फ्रॉक, एफ अ फ्रूट, फ्रॉक और फ्रूट, फ्रूट को बोलते हैं। एफ अ फिश मछली, जी। अब आ गया जी, जी की साउंड है ग, जी ग ग्रास, जी ग गोट, जी ग गन, गोट बोलते हैं बकरी को, ग्रास घास को, और गन बोलते हैं पिस्टल या पिस्तौल को, जी ग गेट जो बड़ा दरवाज़ा होता है, जी ग गर्ल लड़की, जी का ग्रेप्स अंगूर, जी का गोल्ड जो ज्वेलरी में यूज होता है सोना, जी का ग्लव्स दस्ताने, एच आ गया, एच की साउंड है ह, एच ह हैट, हैट होती है बड़ी सी टोपी, ए एच हैन मुर्गी, एच इसको जो बड़ा हैट होता है गोल उसका बाहर से एक शेड सा होता है, एच ह हिल, हिल बोलते पहाड़ी को, एच हॉर्स घोड़ा, एच हैंड बोलते हाथ को, एच हा हेलीकॉप्टर बोलते हेलीकॉप्टर को, एच हा हाउस बोलते मकान को, और एच हा हेयर बोलते बालों को। यहाँ पे आ गया हमारे पास आई, आई की भी दो साउंड्स हैं, एक आई और आई एक ई, यहाँ पे सारे लेकिन ई साउंड जरूर है। आई ई इन, इन होता है किसी भी चीज़ के अंदर, आई ई इल, इल मतलब बीमार, आई ई इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन या टीका, आई ई इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स बोलते कीड़े मकोड़े, आई ई इग्लू, इग्लू होता है एक बर्फ़ का घर, आई ई इंक, इंक होती है स्याही जो किसी भी पेन या मार्कर वगैरह में यूज़ होती है, और इंक पॉट बोलते हैं वो जिस स्याही जिस चीज़ में डाली जाती है उसको बोलते हैं इंक पॉट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जे, जे की साउंड है ज,
जीप जी गाड़ी होती है, जे जिक्सा पजल, एक पजल होता है जिसके पीसेस जोड़ के उसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं जिक्सा पजल। जे जैकेट, जे जेली खाने के लिए होती है, जे जार, जार बोलते हैं मर्तबान को, कोई भी चीज़ डालने के लिए यूज होता है, जे जोकर मस्खरा, जे जैम, जैम मतलब जैम, और जे जग, जग मतलब जग। के की साउंड है क, केक, किंग बादशाह, केक, कैनल, कैनल बोलते हैं जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है, समझ, ये कह सकते हैं कुत्ते का घर समझ सकते हैं आप कैनल को। केक की बोलते हैं चाबी को, केक का कैटल केतली, केक किटन होता है बिल्ली का बच्चा, केक कैचअप, कैचअप होती है टोमेटो कैचअप जो होती है टमाटरों से बनती है, केक कैंगरू एक जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, केक काइट, काइट बोलते हैं पतंग को। अब आगे हमारे पास एल, एल की साउंड है ल, एल लॉलीपॉप, एल लेग बोलते हैं टांग को, एल लैडर बोलते हैं सीढ़ी को, लॉलीपॉप एक टॉफी होती है हमारी, एल लॉक ताला, एल लॉग, लॉग एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं लॉग, एल लीफ पत्ता, एल लायन बबर शेर, एल लैम्प जो लैम्प होता है इसको उर्दू में भी लैम्प ही बोलते हैं, एम, एम की साउंड है म, मीम की जैसे साउंड होती है, एम मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, एम मग, मग होता है चाय के लिए यूज होता है बड़ा सा एक कप होता है चाय का उसको मग बोलते हैं, एम मैंगो मतलब आम, एम मंकी बंदर, एम मून चांद, एम मैन आदमी, एम माउस चूहा, और एम मेडिसिन बोलते हैं दवाई को। अब साउंड एन आ गई, एन की साउंड है न, एन नट्स, नट्स होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट में अखरोट बादाम पिस्ते इनको बोलते हैं नट्स, एन नेल्स, नेल्स होती है कीलें जो होती हैं उनको नेल्स बोलते हैं, एक को नेल और ज़्यादा को नेल्स, एन नर्स, नर्स होती हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर की असिस्टेंट कह सकते हैं आप उनके, बच्चों को ट्रीट करती में हेल्प करती हैं डॉक्टर की, एन नूडल्स, नूडल्स नूडल्स को बोलते हैं, एन नेक गर्दन, एन नीडल बोलते हैं सुई को, एन नेस्ट, नेस्ट बोलते हैं घोंसले को, और एन नोज बोलते हैं नाक को। ओ, अभी ओ की दो साउंड्स हैं, ओ की एक साउंड होती है ओ और दूसरी साउंड होती है अ, यहाँ पे दोनों यूज़ हो रही हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ किन में अ है और किस में ओ साउंड यूज़ हो रही है। ओ अ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, ओ अ ऑन, ऑन यानी बल्ब ऑन, ओ अ ऑफ, बल्ब ऑफ। अब ओलिव में ओ की ओ साउंड है, ओ ओ ऑलिव जैतून, और ओ ओ ऑरेंज माल्टा, इन दोनों में ओ साउंड हो रही है ओ की यूज़। नेक्स्ट आ गया पी, पी प पिलो तकिया, पीपा पैरट तोता, पीपा पेंसिल, पेंसिल, पीपा प्लम, प्लम बोलते हैं आलू बुखारे को, ये तकिया हो गया तोता पेंसिल और प्लम है आलू बुखारा, पीपा पिजन तो कबूतर, पीपा पीच आड़ू, पीपा पोटैटो होता है आलू, पीपा पेन, पेन बोलते हैं कलम को। वैसे उर्दू में क्यू, क्यू की साउंड होती है क्वा, क्यू को आ क्वीन, क्यू को आ क्विल, क्यू को आ क्वी, क्यू क्वीन होती है मलका, क्विल होता है पर किसी भी चिड़िया या किसी परिंदे का पर, क्यू होती है लाइन, जब हम लाइन में खड़े होते हैं उस लाइन को बोलते हैं क्यू, क्यू को आ क्वेल, क्वेल एक परिंदा होता है तीतर टाइप का, क्यू को आ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एक होता है जब भी कोई क्वेश्चन होता है उसके आगे ये निशान बना होता है इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान, क्यू क्वा क्वार्टर, क्वार्टर होता है किसी भी चीज़ को अगर चार हिस्सों में डिवाइड करें ना तो जो उसका एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्वार्टर, क्यू क्वा क्विल्ट रजाई। अब आगे आर, आर रिंग, रिंग रिंग बोलते हैं अंगूठी को, आर रैबिट खरगोश,
आर अ रूलर, रूलर बोलते हैं फुट्टे को या लाइन लगाने के लिए एक स्केल यूज होता है इसको। आर अ रोप, रोप बोलते हैं रस्सी को। आर अ रेड, रेड यानी लाल रंग। आर अ रोबोट, ये एक रोबोट एक मशीन कह लें इसको। आर अ रैट चूहा, और आर अ रेनबो कोसे कजा। एस आ गया हमारे पास, एस की साउंड होती है स। एस अ सन सूरज, एस अ सैंड रेत सूरज और रेत। एस स्टार, स्टार बोलते हैं तारे को। एस स्नोमैन, स्नोमैन होता है बर्फ से एक आदमी बनाते हैं उसको बोलते हैं स्नोमैन। एस सा बोलते हैं आरी को। एस स्लाइड, स्लाइड बच्चों के खेलने वाली स्लाइड जो होती है उसको बोलते हैं। एस स्नेक सांप, और एस सोप बोलते हैं साबुन को। आ गया नेक्स्ट हमारे पास टी, इसकी साउंड है ट। टी ट टोमेटो, टमाटर को बोलते हैं। टी ट टूथब्रश, टूथब्रश होता है दांत साफ करने वाला ब्रश। टी ट ट्री, ट्री बोलते हैं दरख्त को। टी ट टेलीफोन, बोलते हैं टेलीफोन को। टी ट टॉवल, टॉवल बोलते हैं तौलिए को। टी ट टाइगर, बोलते हैं शेर को। टी ट ट्रेन, बोलते हैं रेलगाड़ी को। टी ट टीथ, बोलते हैं दांतों को। नेक्स्ट साउंड है यू, यू की भी दो साउंड है, एक यू और एक आ। यहाँ पे आ साउंड यूज हो रही है। यू आ अंडरवेयर, यू अंडरवेयर होता है कपड़ों के अंदर पहनते हैं पैंट के नीचे। यू आ अंडर, किसी चीज़ के नीचे जो चीज़ होती है ना तो उस नीचे को अंडर बोलते हैं। अंडर द चेयर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एनिमल जो है अंडर द चेयर है। यू आ अप, अप यानी कि ऊपर। यू आ अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब है उदास, जो नाखुश यानी कि। यू आ अम्ब्रेला मतलब छतरी। अब आ गया हमारे पास वी, वी की साउंड है वू। वी वू वायलन, वायलन वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसकी स्टिक से बजाते हैं गर्दन के साथ रख के। वीवा वायलेट, वायलेट एक पौधा होता है इसको बोलते हैं, पर्पल कलर के फूल होते हैं इसको बनफ्शा बोलते हैं। वीवा वैन, वीवा वॉज गुलदान को बोलते हैं। वीवा वेजिटेबल सब्जी को बोलते हैं। और वीवा वॉल्केनो बोलते हैं आतिशफिशां को, जब आतिशफिशां फटता है तो जलजला भी आता है। वीव वेस्ट जो है एक तरह के कपड़े होते हैं जो शर्ट के नीचे यूज पहनने के लिए यूज़ करते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू की साउंड है व, डब्ल्यू व वुल्फ, डब्ल्यू व वाटर, डब्ल्यू व वॉल, वॉल बोलते हैं दीवार को, वाटर बोलते हैं पानी को, वुल्फ बोलते हैं भेड़िए को। डब्ल्यू व वॉच, वॉच होती है घड़ी जो टाइम देखने के लिए यूज़ करते हैं आप। डब्ल्यू व विंडो, विंडो बोलते हैं खिड़की को। डब्ल्यू व विंड जो है वो तेज़ हवा होती है उसको बोलते हैं विंड। डब्ल्यू व विंग्स, विंग्स मतलब पर, जो किसी भी परिंदे के पर होते हैं उसको विंग्स बोलते हैं। एक्स, एक्स की साउंड होती है क्स, क्स। एक ही वर्ड है यहाँ पे, एक्सरे जो है वो एक्स से शुरू होता है। एक्सरे होता है कभी भी किसी हड्डी की तस्वीर बनाते हैं मशीन के ज़रिए। यहाँ फॉक्स में एक्स यूज़ होता है एंड पे फॉक्स। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड बॉक्स, उसके भी एंड में एक्स यूज़ होता है। और सिक्स जो है इसके भी एंड पे एक्स यूज़ होता है। उसके बाद आ गया आपके पास वाई, वाई की साउंड है य। वाई ज येलो, येलो मतलब पीला रंग। वाई वाई ज योजो, योजो एक खेलने वाली चीज़ होती है जिसे बच्चे रस्सी से बंधी होती है ये चीज़, और ऊपर नीचे करके उसको खेलते हैं। वाई ज योगर्ट, योगर्ट बोलते हैं दही को। वाई ज यौन, यौन होती है ऊन जिसे स्वेटर्स वगैरह बनती हैं। वाई ज यॉट, यॉट एक तरह की कश्ती होती है, बोट होती है जो सेल्स भी होती हैं उसकी। वाई ज याक, याक एक जानवर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट लेटर जी, जी इसको जेड भी बोलते हैं और जी भी, और इसकी साउंड है ज। जी ज ज़ीरो, ज़ीरो जो मैथ में ज़ीरो होता है उसको वो है ये ज़ीरो, यानी कुछ भी नहीं इसका मतलब होता है। जी ज ज़ीरो। जी ज ज़ू, ज़ू होता है चिड़ियाघर जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। जी ज ज़िगज़ैग, ये जो इस तरह का पैटर्न होता है ना राइट लेफ़्ट मूव करने वाला इसको बोलते हैं ज़िगज़ैग। जी ज ज़िप, ज़िप कपड़ों में यूज़ होती है आमतौर पे जैसे जैकेट वगैरह में उसको आगे से बंद करने के लिए। और जी ज ज़ीब्रा, ज़ीब्रा होता है एक जानवर, ज़ीब्रा ही इसको उर्दू में ज़ेब्रा बोलते हैं।